नमस्कार, आई एम इंजीनियर पी के तिवारी। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन आईएससी 2013 कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल पेपर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, देर ना करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें, उससे पता क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है पहले से तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, अगर दोबारा करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। और हमारा क्या करना है, वीडियो देखना है और लाइक करना है, जितने जाने वाले लोग हैं शेयर करना है। तो आज हमने आईएससी 2013 का कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल पेपर सॉल्व किया है, जिसमें तीन क्वेश्चन है, तीनों को हमने सॉल्व किया है और उनको एग्जीक्यूट करा के भी दिखाया है, तो और पूरा उसका आउटपुट भी दिखाया है। तो इस जो पूरा का पूरा ये पीडीएफ में हमारी फाइल है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम भी कंप्यूटर साइंस विद ईआरपी के तिवारी है, वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं। तो देखिए आईएससी 2013 कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल पेपर क्वेश्चन नंबर 1 एन ISBN यानी मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर इज अ 10-digit कोड विच यूनिकली आइडेंटिफाइज अ बुक। द फर्स्ट 9 digits रिप्रेजेंट द ग्रुप पब्लिशर एंड टाइटल ऑफ द बुक एंड द लास्ट डिजिट इज यूज टू चेक whether ISBN इज करेक्ट और नॉट। ईच ऑफ द फर्स्ट 9 digit ऑफ द कोड कैन टेक अ वैल्यू बिटवीन 0 and 9। समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू मेक द लास्ट डिजिट इक्वल टू 10। दिस इज डन बाय राइटिंग द लास्ट डिजिट ऑफ द कोड एज एक्स टू वेरीफाई एन ISBN कैलकुलेट 10 times द फर्स्ट डिजिट प्लस 9 times द सेकेंड डिजिट प्लस 8 times द थर्ड डिजिट एंड सो ऑन अनटिल वी एड 1 time द लास्ट डिजिट। इफ द फाइनल नंबर लीव्स नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 11 द कोड इज वैलिड ISBN। फॉर एग्जाम्पल 0 2 1 11 0 33 11। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इस पहले वाले को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी एक पहले वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 से, फिर 8 से, फिर 7 से, फिर 6 से, ऐसे करके लास्ट वाले को 1 से, और उसका टोटल जो आएगा जैसे इसका 55 है, 55 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हैं, सिंस 55 लीव्स नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 11 हेंस इट इज वैलिड ISBN। जैसे ये लिखा है 007462 तो इसमें 176 आ रहा है, 176 लीव्स नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 11 हेंस इट इज वैलिड ISBN। अगर ये लिखें आप 0112112425 तो इसका 71 आ रहा है, तो ये 71 लीव्स नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 11 hence it is not valid ISBN। तो ये है, तो डिजाइन ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ 10-digit कोड फ्रॉम द यूजर फॉर एन इनवैलिड इनपुट, डिस्प्ले एन एप्रोप्रिएट मैसेज, वेरीफाई द कोड फॉर इट्स वैलिडिटी in the format it specified below, test your program with the sample data and some random data। Example 1, input code 02 0201530821, तो इसका सम आएगा 99, तो leaves no remainder valid ISBN code। Example 2, अगर 03568032024 दिया तो ये इनवैलिड है, इनपुट है क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट कम है। एग्जांपल 3, अगर हमने 02314280831 दिया तो इसका सम
122 आया, लीव्स रिमाइंडर इनवैलिड है इस पे। तो इसका सलूशन देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये हमारा हमने इंपोर्ट किया जावा, इंपोर्ट जावा .2.6 क्लास, फिर हमने पब्लिशर डिवाइडमेंट, फिर हमने स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया इनपुट लेने के लिए, क्योंकि तो इसमें एक्स भी आ सकता है इसलिए इसको एज स्ट्रिंग लेंगे। और ये नल के लिए हमने बैकस्लैश यू 4 बार 0 दिया, ये नल है करेक्टर का। फिर वेरिएबल डिक्लेयर किया, टी को हमने 0 ले लिया। फिर हमने क्या किया, इनपुट कोड किया, हमने नेक्स्ट लाइन से कोड को लिया, चाहे नेक्स्ट ले लेंगे तभी चलेगा क्योंकि स्पेस है नहीं, नेक्स्ट लाइन। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आउटपुट, फिर उसका लेंथ ले लिया, फिर चेक किया लेंथ को कि अगर लेंथ हमारी 10 डिजिट नहीं है, नॉट इक्वल टू 10, तो हम क्या कहेंगे, इनवैलिड इनपुट है, यानी हमारे नंबर ऑफ डिजिट कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, और लास्ट डिजिट जो है वो एक्स हो सकती है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। और अगर एल्स है तो हमने क्या किया, 10 से लूप चलाया कहाँ तक, 2 तक, और बी एक लिया है जो उसकी वैल्यू 0 से लेके एक एक बढ़ती जाएगी। फिर हमने एक एक करेक्टर निकाला, एक एक करेक्टर निकालना है। अब हमने करेक्टर निकाला सी एच, अब हमने क्या किया, सी एच का हमने आईडेंटिटी लगाया, आईडेंटिटी लगाते ही क्या बनेगा, उसका एसीआई वैल्यू आ जाएगी। तो जो करेक्ट नंबर है, नंबर का एसीआई वैल्यू जो होती है 48 to 57 होती है, 48 जब निकलेगा वो -48 कर दे तो 0 आ जाएगा, यानी अगर 0 सी एच है तो 0 आ जाएगा। ये अभी 0 जो है वो करेक्टर फॉर्म में है, अगर वो आईडेंटिटी मारेंगे तो एसी वैल्यू आ जाएगी, 0 की होगी 48 और 1 की होगी 49, ऐसे करके आएगा। तो जब -48 करेंगे तो अगर 0 है तो 1 0 आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा, 2 है 2 आ जाएगा, और न्यूमेरिक डेटा आ जाएगा, फिर उसमें इंटू ए कर देंगे और उसको टी में ऐड करते जाएंगे, और उसके बाद लास्ट डिजिट को हम निकालेंगे। लास्ट डिजिट क्या होगी, 9th डिजिट होगी, 9th इंडेक्स होगा जिसका, निकाला उसको चेक कर लेंगे, अगर वो एक्स है या स्मॉल या कैपिटल दोनों में से कोई एक तो उस टी में 10 ऐड कर देंगे, और अगर एल्स है इसका कोई डिजिट है तो वही काम करेंगे, उसका एसी वैल्यू निकालेंगे और फिर -48 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, और सीधे सीधे वो वन टाइम ऐड करना है तो वन टाइम, यानी वो जो डिजिट होगी वो ऐड हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, उसको सम को प्रिंट कर देंगे, फिर चेक करेंगे उस सम को कि टी मॉडुलस 11 है अगर 0 तो लीव्स नो रिमाइंडर, तो वैलिड ISBN कोड हो जाएगा, और अगर एल्स है तो इसका मतलब 11 से डिवाइड नहीं हुआ है, लीव्स रिमाइंडर, तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड ISBN कोड हो जाएगा। ये तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए और यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए। तो इसको हम चला के देखते हैं, जैसे हमने चलाया इनपुट कोड आया तो हमने लिखा 02 01 53 08 21। अब तो क्या आया, आउटपुट सम आया 99, लीव्स नो रिमाइंडर, वैलिड ISBN कोड हो जाएगा। और अगर दोबारा हम रन करें, दूसरी वैल्यू दें, दिया समय दिया 03 56 80 324 324, ये 10 डिजिट नहीं है तो देखिए क्या आया, इनवैलिड इनपुट आया, क्योंकि 10 डिजिट नहीं है, 10 डिजिट होना चाहिए। अगला फिर रन कराते हैं, अब के बार हमने दिया 02 3 14 28 031, तो ये सम आया 122, लीव्स रिमाइंडर, इसलिए इनवैलिड ISBN कोड है। इस तरीके से हम कोई भी कोड दे सकते हैं। तो इसका सलूशन देखिए, फिर यहां से देख सकते हैं, यहां भी इसके साथ आप ले सकते हैं, वही हमने कॉपी किया है, इंपोर्ट किया जावा डॉट यूटिल, क्लास हुआ पब्लिशर डिवाइडमेंट स्कैनर
आपने बनाया डेटा लेने के लिए स्ट्रिंग, क्योंकि इसमें एक्स भी हो सकता है इसलिए स्ट्रिंग फॉर्म लेंगे। करेक्टर का नंबर लिया हमने यानी डिफॉल्ट वैल्यू बैचलर्स यू 4x0 यानी नल होता है। फिर वेरिएबल के लिए किया टी को 0 ले लिया, फिर इनपुट किया कोड, फिर नेक्स्ट लाइन दें या नेक्स्ट दें दोनों चलता है। नेक्स्ट लाइन लेंथ से भी काम चल सकता था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आउटपुट, फिर उसकी लेंथ लेंगे, लेंथ चेक कर लेंगे, अगर लेंथ 10 के इक्वल नहीं है तो इनवैलिड इनपुट हो गया, अगर है तो लूप चलाएंगे 10 से लेके 2 तक, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कहाँ क्या करना है 10, 9, 8 ऐसे करना है और लास्ट वाला 1 करना है, तो ये मल्टीप्लीकेशन। और इंडेक्स नंबर कहाँ शुरू होते हैं 0 से, तो 0 ले लिया और एक एक बढ़ता जाएगा अभी, तो एक एक करेक्टर निकालते गए और सी एच का INT टाइप कास्टिंग करेंगे तो उसका ए सी आई वैल्यू निकलेगी उसमें, और 0 के ए सी वैल्यू 48 होती है, जब 48 में 48 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। ऐसे सी एच जो क्या है नंबर नहीं है, वो करेक्टर है, उस समय नंबर तो है लेकिन करेक्टर है, उस न्यूमेरिक डेटा नहीं है वो, जब न्यूमेरिक हो जाएगा तो इंटू ए कर देंगे और टी में जोड़ते जाएंगे ऐसे। उसके बाद लास्ट डिजिट निकालेंगे, अगर लास्ट डिजिट 10x है तो 10 ऐड कर देंगे, अगर नहीं तो उसका भी एससी वैल्यू निकाल के माइनस 48 करके ऐड कर देंगे, फिर सम कर देंगे जो आ चुका है उसको प्रिंट कर देंगे, फिर चेक करेंगे, अगर 11 डिजिबल है तो लीव्स नो रिमाइंडर वैलिड आई एस बिन कोड, अदरवाइज लीव्स रिमाइंडर इनवैलिड आई एस बिन कोड। तो ये हमने जो रन कराया है पहला है दिया तो ये आया, ऐसे ही दूसरा देंगे तो इनवैलिड आया क्योंकि ये 9 डिजिट हैं। तीसरा हमने दिया तो 122 आया, तो लीव्स रिमाइंडर इनवैलिड आई एस बिन। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, राइट प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m इनटू m, वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सच दैट m मस्ट बी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 20 यानी 3 और 19 के बीच में होना चाहिए, 3 और 19 भी इंक्लूडेड है। अलाउ द यूजर टू इनपुट इंटीजर्स इनटू दिस मैट्रिक्स, डिस्प्ले एप्रोप्रिएट एरर मैसेज फॉर एन इनवैलिड इनपुट, परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। क्या है, पहला है डिस्प्ले द इनपुट मैट्रिक्स, जो इनपुट किया मैट्रिक्स वो डिस्प्ले करना है, क्रिएट अ मिरर इमेज मैट्रिक्स उसकी मिरर इमेज देनी है, डिस्प्ले द मिरर इमेज मैट्रिक्स और उसको प्रिंट करना है, टेस्ट योर प्रोग्राम विद द सैंपल डेटा एंड सम रैंडम डेटा। तो ये है एग्जाम्पल 1 है, ये हमने मान लिया एम 3 दिया तो 3x3 की मैट्रिक्स प्रिंट करेंगे इनपुट करेंगे, और उसके बाद ये मिरर इमेज ये ओरिजिनल पहले वाले ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट करेंगे जैसे दिया है और फिर मिरर इमेज प्रिंट करेंगे। एग्जाम्पल 2 अगर हमने 22 दे दिया तो साइज आउट ऑफ रेंज हो गया। तो इसको देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, तो क्या किया इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टिक, फिर क्लास लिया, फिर पब्लिक स्टडी वाइड में फिर स्कैनर लिया डेटा इनपुट के लिए, फिर हमने क्या किया एम लिया साइज के लिए और एरे लिया ए स्क्वायर ब्रैकेट आर सी रो और कॉलम इंडेक्स के लिए लिया, और बी लिया है मिरर मैट्रिक्स की मिरर इमेज स्टोर करने के लिए। फिर हमने क्या किया एंटर साइज ऑफ मैट्रिक्स, साइज इनपुट किया एम में, उसको चेक कर लिया, अगर हमारा साइज जो है लेस देन आर इक्वल टू 2 है या मोर देन आर इक्वल 20 है, इसका मतलब साइज आउट ऑफ रेंज है, तो इनपुट एम प्रिंट कर देंगे और कहेंगे साइज आउट ऑफ रेंज कर देंगे। अगर एल्स है इसका मतलब हमारा साइज सही है, तो हम क्या करेंगे मेमोरी को पाई करेंगे एक ही, क्योंकि ए और बी को बता चुके हैं कि INT टाइप के डबल एंसन, इसलिए यहाँ पर टाइप लिखेंगे ना स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, मेमोरी को पाई करेंगे, जब मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाएगी तो फिर एंटर करेंगे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के, हमने लूप चलाया यहाँ एंटर, पहले रो का लूप चलाया फिर कॉलम का, फिर इनपुट करा लिया, फिर हमने क्या किया अब इनपुट जो है वो प्रिंट किया, फिर आउटपुट ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट करा दिया लूप चला के, रो का इंडेक्स और लूप फिर कॉलम इंडेक्स वो प्रिंट करा लिया टैब के साथ, जब लाइन जब पूरा कॉलम पूरा हो गया एक रो के सारे कॉलम पूरे हो गए तो लाइन चेंज कर दिया। फिर अब क्या कर रहे हैं
जो हमारी मैट्रिक्स है उसको मिरर इमेज में स्टोर कर रहे हैं, बी में स्टोर कर रहे हैं। तो रो का लूप चल रहा है और कॉलम का लूप चल रहा है, फिर बी आप आर सी जो होगा वो क्या होगा, आर तो वही रहेगा, आर वही है, रो तो चेंज होनी नहीं है। बस क्या होता है, कॉलम जो पहला कॉलम है लास्ट में चला जाएगा, लास्ट वाला पहले चलाएगा। तो हमने क्या किया, एम साइज है कॉलम का तो एम माइनस वन माइनस सी करते जाएंगे, तो सी हमारा बढ़ता जाएगा, तो जितना बढ़ेगा उतना ही इंडेक्स घटता जाएगा, तो वो स्टोर हो जाएगा। सबसे पहले सी जीरो होगा तो लास्ट इंडेक्स वाला पहले इंडेक्स में चला जाएगा, पहले कॉलम रो कॉलम में चला जाएगा, ऐसे करके पूरा स्टोर हो जाएगा। जब स्टोर हो जाएगा तो उसको मिरर इमेज को रो इंडेक्स से कॉलम इंडेक्स से प्रिंट कर लेंगे। पहले रो इंडेक्स चलाएगा, कॉलम फिर मिरर इमेज जो बी में बी अरे में स्टोर है उसको प्रिंट कर देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यहाँ से ले लीजिए, और फिर मैट्रिक्स जब इनपुट हो रही है तो इनपुट ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और फिर लास्ट में यहाँ से ले लीजिए। तो इसको चला के देखते हैं, अब जैसे पहले मैट्रिक्स हमने साइज ऑफ मैट्रिक्स हमने दे दिया 3, अब इंटर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स पहले हमने दिया 4, फिर 16, फिर 12, एक रो पूरी हो गई, दूसरा हमने दिया 8, फिर 2, फिर 14, दूसरी रो हो गई, तीसरी दे दिया 4, 1 और 3। देखिए इनपुट आ गया M3 है, आउटपुट ओरिजिनल मैट्रिक्स 4, 16, 12, 8 टू 14, 4, 1, 3, और मिरर इमेज जो पहला कॉलम लास्ट, लास्ट कॉलम पहला, ऐसे करके बदल गया 12, 16, 4, 14, 2, 8, 3, 1, 4, तो ये मिरर इमेज हो गई। अगर इसको फिर रन कराएं और हम साइज 4 दे दें, मान लीजिए 4 दे दिया हमने, तो पहला दे दिया 23, 48, 58, 25, 36, पहली रो हो गई, दूसरा 69, 14, 28, 37, दूसरी रो हो गई, फिर 61, 94, 28, 31 दे दिया, तीसरी रो हो गई 92, 32, 65 एंड 19 ये दे दिया। तो अब देखिए M4 दिया, ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई हमारी 23, 58, 29, 36 और वो उसकी मिरर इमेज आ गई, पहला कॉलम लास्ट वाला, सेकंड लास्ट, थर्ड, ऐसे करके आ गया। तो ये हमारी क्या हो गई, पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स आई फिर मिरर इमेज मैट्रिक्स आ गई। और अगर हम साइज आउट ऑफ रेंज दे देते हैं तो एरर बता देगा साइज आउट ऑफ रेंज, मान लिया हम दे दे 22, क्या कहा M22 आया और साइज आउट ऑफ रेंज बता दिया। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, इसको हमने कॉपी किया है, देखिए यहाँ सॉल्यूशन में जवाहरलाल डिटेल ISC 13 परिसिटी वाइड मेन, फिर हमने क्या किया स्कैनर लगाया इनपुट लेने के लिए, फिर हमने दो एम लिया साइज के लिए और ए पॉलीमैट्रिक्स और बी में मिरर इमेज के लिए और आरसी इंडेक्स के लिए, फिर साइज लिया हमने इनपुट किया और साइज को चेक कर लिया, अगर लेस देन आर इक्वल 2 है या मोर देन आर इक्वल 20 है तो साइज आउट ऑफ रेंज है, तो बता दिया साइज आउट ऑफ रेंज, नहीं तो फिर हमने मेमोरी ऑक्युपाय कर लिया ए की और बी की, क्योंकि ए और बी पहले हम डिक्लेयर कर चुके हैं कि आईएनटी टाइप की हैं और डबल आंसर है, इसलिए यहाँ वो चीज नहीं देंगे, नहीं तो एरर आती। अगर एक बार डिक्लेयर हो गया तो केवल उसका अरे नेम देते हैं,
फिर एंटायर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, फिर हम लूप चलाएंगे रो का इंडेक्स का, फिर कॉलम इंडेक्स, और इनपुट करा लेंगे नेक्स्ट आइडेंटिटी से इंटीजर, फिर हम प्रिंट करेंगे एम, फिर आउटपुट ओरिजिनल मैट्रिक्स रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स को लूप चला के प्रिंट कराएंगे टैब, और जब कॉलम एक रो के सारे कॉलम पूरे हो जाएंगे तो लाइन चेंज कर देंगे। फिर क्या करेंगे, रो का लूप चलाया, कॉलम लूप चलाया, और ए मैट्रिक्स को हमने बी में डाल दिया और आर सी का लूप चलाया है, तो रो तो वही रहेगा लेकिन कॉलम क्या होगा, जो लास्ट कॉलम होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट हो जाएगा, तो इसलिए एम माइनस वन माइनस सी सी बढ़ता जाएगा तो कॉलम घटता जाएगा। तो उसका जो बी में मैट्रिक्स आई है मिरर इमेज की वो उसको प्रिंट करा देंगे। तो ये हमारा अभी आउटपुट देखिए, ये आउटपुट है हमारा, पहला इंटर साइज ऑफ मैट्रिक्स 3, फिर हमने दिया 4 16 12 8 2 14 4 1 3, तो एम आया, और ये हमारी क्या आई, ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई और फिर उसकी मिरर इमेज आ गई। दूसरे हमने 4 दिया, ये मैट्रिक्स दिया तो एम 4 आया, ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई और ये उसकी मिरर इमेज आ गई। तीसरे में हमने 22 दे दिया तो क्या कहा, साइज आउट ऑफ रेंज, तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन स्ट्रिंग का है, क्या है, अ पैलिंड्रोम इज अ वैलिड वर्ड दैट मे बी रीड द सेम वे इन आइदर डायरेक्शन एक्सेप्ट अ सेंटेंस इन अपर केस व्हिच इज टर्मिनेटेड बाय ईदर डॉट क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन साइन, ईच वर्ड ऑफ द सेंटेंस इज सेपरेटेड बाय अ सिंगल ब्लैंक स्पेस, परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, डिस्प्ले द काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक वर्ड इन द सेंटेंस, डिस्प्ले द पैलिंड्रोमिक वर्ड इन द सेंटेंस, बताना है कितने हैं और कौन कौन से हैं, कितने पैलिंड्रोमिक वर्ड हैं यानी पैलिंड्रोम वर्ड हैं और कितने कौन कौन से हैं। पहला जैसे हमने इनपुट किया, मॉम एंड डैड आर कमिंग एट नून, तो मॉम और डैड और नून तीनों पैलिंड्रोमिक वर्ड हैं, तो इनको प्रिंट किया और नंबर ऑफ पैलिंड्रोमिक वर्ड 3 बता दिया। एग्जाम्पल 2, जैसे हमने कहा नितिन अरोरा यूजे लेरिल सोप, तो नितिन अरोरा और लेरिल ये पैलिंड्रोमिक वर्ड है, नंबर ऑफ पैलिंड्रोमिक वर्ड 3 है। उसके बाद हमने दिया हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, तो क्या है, नो पैलिंड्रोमिक वर्ड, इसमें कोई भी पैलिंड्रोमिक वर्ड नहीं है। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, इंपोर्ट किया जवाहरलाल नेहरू डिस्ट्रिक्ट क्लास पब्लिक स्टडी वाइड मेन, फिर हमने स्कैनर लगाया इनपुट के लिए, फिर एस लिया, एस वन लिया, एस टू लिया, एस में हम इनपुट करेंगे, एस वन में हम सीधा वर्ड स्टोर करेंगे, एस टू में उसका रिवर्स स्टोर करेंगे, और फिर एस वन और एस टू को कंपेयर करेंगे। एंटर अ सेंटेंस, हमने एस इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई लाइन किया और उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, मान लिया कोई बच्चे ने गलती से लोअर में दे दिया हो तो अपर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, उसकी लेंथ लिया और सी ले लिया 0 काउंट करने के लिए कितने, और सी एच नल ले लिया, बैकस्लैश यू 4 बार 0 ये नल होता है। फिर हमने क्या किया, लास्ट करेक्टर निकाला, लास्ट करेक्टर निकाला, लास्ट करेक्टर और लेंथ माइनस 1, और उसको चेक किया कि डॉट या क्वेश्चन मार्क या साइन नहीं है, अगर इन तीनों में से कोई नहीं है, ना ये है ना ये है ना ये है, तो इनवैलिड इनपुट है और इनपुट 0 है। 0 क्या होता है, एग्जीक्यूशन रुक के ख़त्म हो जाता है और प्रोग्राम से बाहर हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो इनपुट किया, प्रिंट किया और आउटपुट लिखा, फिर लूप चलाया हमने 0 से लेकर लेंथ लेंथ, फिर एक एक करेक्टर निकालते गए और उसको चेक किया कि अगर डॉट नहीं है, डॉट है या क्वेश्चन मार्क है या फिर साइन है या स्पेस है, इसका इन चारों में जो कोई एक है तो हमारा वर्ड कंप्लीट है। हर वर्ड का एंड किससे होता है, स्पेस से होता है, और लास्ट वाले का है तो डॉट से होगा या क्वेश्चन मार्क से होगा या फिर साइन से होगा, तो अगर या तो स्पेस मिल जाए या डॉट क्वेश्चन मार्क या इसमें साइन में मिल जाए, इसका हमारा वर्ड कंप्लीट हो गया। अगर हमारा वर्ड कंप्लीट हो गया है तो जो हमारे वर्ड हैं वो एस वन में स्टोर हैं और उसके रिवर्स एस टू में स्टोर हैं, तो काउंटर बढ़ा देंगे और क्या करेंगे, S1 को प्रिंट कर देंगे स्पेस के साथ और S1 S2 को फिनल कर देंगे। अगर else है
अगर else है इसका मतलब हमारा वर्ड कंप्लीट नहीं है। तो वर्ड कंप्लीट करने का क्या काम है, एस वन इज इक्वल टू एस वन प्लस सी एच, तो ये सीधा स्टोर होगा यानी वर्ड आएगा, और एस टू इज इक्वल टू सी एच प्लस एस टू यानी रिवर्स ऑर्डर में आएगा। तो एस वन में सीधा वर्ड आएगा, इसमें एस टू में रिवर्स ऑर्डर में आएगा, इसीलिए यहां पर चेक कर रहे हैं एस वन और एस टू को। अगर एस वन और एस टू बराबर है तो इसका पॉलीनोमिक वर्ड है, तो काउंटर बढ़ा दिया और उसको एस वन को प्रिंट कर दिया और फिर एस वन और एस टू को फाइनल कर दिया अगले वर्ड के लिए। अगर हम नल नहीं करेंगे तो पुराना वर्ड भी हमारा पड़ा रहेगा, तो इसलिए नल कर देंगे जिससे नया वर्ड फिर स्टोर हो, ये चलता रहेगा तब तक जल्दी लेना मिल जाए। फिर अगर सी मोर देन जीरो है, अगर सी मोर देन जीरो है मतलब हमारे वर्ड्स हैं पॉलीनोमिक वर्ड, तो क्या कहेंगे, नंबर ऑफ पॉलीनोमिक वर्ड सी, अदरवाइज क्या कहेंगे एल्स में, नो पॉलीनोमिक वर्ड। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहां से यहां ले लीजिए और फिर यहां से ले लीजिए और फिर यहां से ले लीजिए। तो इसी को हमने वहां कॉपी किया है, इंपोर्ट किया जब डॉटी फिर क्लास फिर बोले सर डिवाइड मेन, फिर स्कैनर लगाया इनपुट के लिए, एस लिया सेंटेंस लेने लगे, एस वन वर्ड स्टोर करेंगे, एस टू में उसका रिवर्स वर्ड स्टोर करेंगे, एंटर सेंटेंस किया नेक्स्ट लाइन से, फिर उसको अपर केस में कन्वर्ट किया, बालिया गलती से किसने लोअर में दे दिया हो, और सी को जीरो कर दिया काउंट करने के लिए, फिर सी एस को नल किया, बैक स्लैश यू चार बार जीरो से नल होता है, फिर लास्ट करेक्टर निकाला और चेक किया, अगर लास्ट करेक्टर में क्वेश्चन मार्क डॉट या एक्सक्लेमेशन साइन के अलावा कोई दूसरा करेक्टर है तो इनवैलिड इनपुट हो जाएगा, इनपुट किया जो उसको प्रिंट किया और आउटपुट लूप चला लिया एक एक कर जीरो से लेकर लेस देन लेन तक, और एक एक निकालते गए और चेक किया, अगर डॉट या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन साइन या स्पेस मिल जाता है तो हमारा वर्ड कंप्लीट हो जाता है। तो एस वन में हमारे वर्ड स्टोर हो रहे हैं और एस टू में उसका रिवर्स स्टोर हो रहे हैं, अगर दोनों इक्वल हैं तो पॉलीनोमिक वर्ड है उसको एस वन को हम प्रिंट करेंगे और काउंटर बढ़ा देंगे और एस वन एस टू को फिर नल कर देंगे अगले वर्ड के लिए, और अगर एस है इसका हमारा वर्ड कंप्लीट नहीं है तो एस वन इज इक्वल एस वन प्लस सी एच करेंगे तो वर्ड सीधा स्टोर होगा, और एस टू इज इक्वल टू सी एच प्लस एस टू करेंगे, सी एच हर बार लेफ्ट में चला जाता जाएगा तो उसका रिवर्स स्टोर हो जाएगा, और जब ये कंडीशन टू मिल जाएगी यानी डॉट या स्पेस आ जाएगा या क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तो वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर वो कंपेयर हो जाएगा, ये चलता रहेगा जब तक लेंथ पूरी नहीं हो जाती, और उसके बाद चेक कर लेंगे अगर सी मोर देन जीरो है यानी पॉलीनोमिक वर्ड मिले तो क्या कहेगा, नंबर ऑफ पॉलीनोमिक वर्ड सी, एल्स नो पॉलीनोमिक वर्ड आ जाएगा। तो जो हमने पहले दिया है, हमने क्या दिया था, मॉम एंड डैड आर कमिंग एट नून, तो मॉम एंड डैड आर कमिंग एट नून दिया हमने, तो मॉम पॉलीनोमिक वर्ड है, डैड है और नून है तो प्रिंट हो गए, तो क्या कहा, नंबर ऑफ पॉलीनोमिक वर्ड थ्री। दूसरे में हमने दिया नितिन अरोरा यूज ए लिटिल सोप, तो नितिन अरोरा यूज ए लिटिल सोप आया, तो नितिन हमारा पॉलीनोमिक वर्ड है, अरोरा है और लिटिल है, तो नंबर ऑफ पॉलीनोमिक वर्ड थ्री है। और एंटर अ सेंटेंस, हाउ आर यू, इसको हम चला के देख लेते हैं प्रोग्राम को, जैसे हमने चलाया, हमने दिया मॉम डैड, मॉम एंड डैड आर कमिंग एट नून और फुल स्टॉप। तो देखिए आ गया मॉम एंड डैड आर कमिंग एट नून, मॉम डैड और नून ये तीन पॉलीनोमिक वर्ड है, तो आ गया तीनों प्रिंट हो गए और बता दिया। अगर हम फिर रन कराएं
अब के बाद दे दिया हमने नितिन अरोरा, नितिन अरोरा यूजेज लिरिल सोप, पुलिस साहब लगा दिया, तो नितिन अरोरा यूज लिरिल सोप, तो नितिन अरोरा और लिरिल तीन नंबर है, तीनों आ गए। अगर हम फिर रन कराएं और दे दें हाउ आर यू, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये आ गया हाउ आर यू, कोई भी पैलिंड्रोम वर्ड नहीं है तो आ गया। अगर हम कोई सेंटेंस दें और उसमें इन तीनों के अलावा किसी से रन एंड करें तो लेटा जाएगा। जैसे कहें यू आर बॉय और डॉट, देखिए हम कॉमा लगा दें, देखिए इनवैलिड इनपुट आ गया, इनवैलिड इनपुट आ गया, इनवैलिड इनपुट। तो ये हमने सारे दिया, चेक किया, देखिए पहला हमने दिया था मॉम एंड डैड आर कमिंग एट नून, तो मॉम डैड और नून आ गया, तीन आ गए। दोबारा हमने दिया नितिन अरोरा यू लिरिल सोप, तो नितिन अरोरा और लिरिल तीन हो गए। तीसरा हमने दिया हाउ आर यू, क्वेश्चन में कोई नहीं है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, जितने भी जाने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करिए जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और अगर आप कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हो तो हमारे सोशल मीडिया में किसी भी में जाके आप पूछ सकते हैं। और इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें जिससे हम नए नए वीडियो बनाते रहें। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।